और ये राइट साइड में नहीं है, और ये राइट साइड में नहीं है, जस्ट कुछ पता नहीं है अगर गाड़ी का स्टीयरिंग इधर उधर गया, राइट साइड में नहीं है। हम फिर समझ लो जैसे मेंढक ट्रैक्टर करता है वैसे करते हुए नजर आएंगे। और फाइनली तो हम सभी लोग आ चुके हैं नर्मदा को देखने के लिए। देखिए किस तरीके से जायमा जोहर भी हैं, सारा बहन, मुझू भाई कहा है, मुझू भाई अरे है कहाँ तुम, हाँ ये रहा मुझू भाई, शिवा बाजी और सरवरी। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो चीज जो हम देखने आए हैं। ये देखिए नर्मदा, थोड़ा सा ही दिख रहा है पुल, और इस पुल को मैं आपको वीडियो में या फोटो में इसका नॉर्मल कंडीशन दिखाऊंगा कि पुल कैसा रहता है और अभी कहाँ तक है। देखिए ये है हमारा मोरटक्का का नर्मदा ब्रिज। सिद्दीकी साहब भी साथ में हैं, यकीन नहीं मानेंगे, ये पानी का स्तर हमारे देखते देखते तकरीबन 6 इंच बढ़ चुका है। और ये नर्मदा मोरटक्का का नॉर्मल कंडीशन में जब पुल रहता है नॉर्मल टाइम में, तब ये देखिए देख सकते हैं फोटो कहाँ पानी रहता है और अभी कहाँ पर है। हम लोग आ गए हैं नर्मदा एक्वाटिक में और क्या बताऊं यार, ऐसा पानी ओफ क्या पानी है यार। इधर से पुल सामने जरा सा ही पुल दिखाई दे रहा है और पीछे रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा है बड़ा सा। जल स्तर देखिए कितना बढ़ चुका है। क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा एक्वाडेक पुल, नीचे नहर है, जस्ट इस पुल के नीचे नर्मदा नहर है और अभी हम लोग नहर के ऊपर चल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर डैम नहर के। ओफ 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 क्या बात है। ये देखिए पूरे 24 के 24 गेट खुले हुए हैं यहाँ पर, नर्मदा के स्टोरेज का पानी निकाला जा रहा है किस तरीके से। देखिए पूरे 24 गेट खुले हुए हैं अभी। ये है ओमकारेश्वर डैम, बेहतरीन नज़ारा, धूप बहुत तेज निकली हुई है। अगर देख सकते हैं ध्यान से तो देखिए मेरे बैक साइड में आसमान में खंबे के पास की हाइट से देखिए इंद्रधनुष भी बना हुआ है, बहुत बेहतरीन। देखिए इंद्रधनुष बन रहा है, बहुत प्यारा, देखिए बहुत बड़ा है, हल्का हो गया है अभी। और ये वॉच पॉइंट बना रखा है एक ओमकारेश्वर डैम के साइड में ऊपर की तरफ, यहाँ से पूरा स्टोरेज दिखाई देता है। ये देखिए स्टोरेज दिखाई दे रहा है, बाई तरफ नर्मदा नदी बह रही है टापू के दाहिने और बाएं से, और यहाँ से दूर उस टापू के ऊपर आप ओमकारेश्वर मंदिर देख सकते हैं जहाँ पे शंकर भगवान जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और ये देखिए सैलानी टापू, इस एरिया का सबसे मशहूर टापू है, सैलानी रिसोर्ट बना हुआ है ये सामने। और अभी हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर डैम के ऊपर से, पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा, बहुत ही बेहतरीन। और अभी हम लोग जस्ट हमारे नीचे से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, पूरे 24 गेट के ऊपर से भी हम लोग निकल रहे हैं। स्टोरेज मेरे दाहिनी तरफ नर्मदा का शांत स्टोरेज पानी और बाएं तरफ वही पानी तबाही मचाता हुआ। ये हम लोग दूसरी तरफ से ओमकारेश्वर डैम को देख पा रहे हैं, उसके स्टोरेज को देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। और दूसरे किनारे की तरफ है अभी हम लोग टाउनशिप की तरफ में। और ये हम खंडवा से इंदौर साइड में आ गए हैं, बहुत लंबा जाम लगा है क्योंकि कौन सा मोरटक्का जो पुल था वो पूरा डूब चुका था, इस वजह से हमने शॉर्ट रास्ता लिया, लेकिन शॉर्ट रास्ते से करीब 25 किलोमीटर हमें जंगलों से निकलना पड़ा। और भूख की वजह से सारे बच्चे ये पीछे देखो परेशान हालत में है, बोले कुछ खाना खिलाओ। और ये लगी पंचवटी होटल, इस पंचवटी होटल में इन लोगों ने सोचा है कि कुछ खाना पीना खा के तब यहाँ से निकलेंगे। खाना पीना क्या खाएंगे, ये मेरी सरदर्दी है और कुछ नहीं है। ये मुझे काटने के लिए आए। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। ये देखो सारे के सारे सोच रहे होंगे, कोई बोल रहा होगा मैं कोफ्ते खाऊंगी, कोई बोल रहा होगा मैं क्या खाऊंगी। ओफ
मेरी बसंती की हालत देखो क्या हो गई है, जबरदस्त कीचड़ दबदबा खड्डों से आई है गाड़ी। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ कमी है तो उसको भी बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके। और देख लीजिए उफनती नर्मदा नदी। जय हिंद, जय भारत।